महला पहना साजन दे सब देसी साजन देश बदेशी अड़े सुनहरे दिन किसन सुनहरे दिन दी और कौन आत्मा दिन दी है सुनहरे आत्मा का नाम की है ते परम आत्मा का नाम की है। अज साडा अंदरला वलवला कहता है कि अज इन दोहां दा जिक्र इंज कह रहे एक पासे सुहागण एक पासे सच्चा शाह एक पासे प्रीत ते एक पासे प्रीतम एक पासे खिच ते एक पासे खिच नूं बनाउण वाला एक पासे तड़प एक पासे तड़प पैदा करने वाला एक पासे कोई विछड़िया ते एक पासे किसी नूं मिलाने वाला दोहां दे विचकारे अज की अजीब अरशी विछोड़ा ते बाद विच अरशी मिलाप दा की अज अजीब अरशी रहस है और अजीब दीदार है अजीब तस्वीर है। इनू अरशी पिक्चर कह लिए अरशी ड्रामा कह लिए या अरशी चात कह लिए जो भी कह लिए ये अंदरले मना की अवस्था है। जैसे जैसे किसी की अवस्था होगी वैसा वैसा शब्द दीदार हो गए। सो आओ आज इस शब्द में आप जी पहला सारे शब्द में इस तरह श्रवण कर लो फिर उस तो बाद शब्द रीत राही और इसकी जो भी व्याख्या होगी उपाधि श्रवण कर लो। साजन देश विदेशियाँ हाय सुनियो साजन मेरा हुण सुनिया किसे पास नहीं वास्ता ही मेरा ते हुण तू ही तू है मेरा सुनिया तेरे तक वास्ता ही मैनू रुड़न न दई हुण मेरी सार कौन संभाले सिर्फ तू ही तो संभाल सकना इसे करके मैं कहनी हाँ सार संभाले कहंदी कहंदी दी अखां विच जल पा आया ते साहब उस तस्वीर नूं किवें अंकित कर रहे ने के मुंद नैण परेंदी मुंद नैण परेंदी गुण सारेंदी
हाँ कह पड़के आ दी है कि क्यों प्रभु मिला प्यारे। मेरा तो दिल कर दिया मैं छेती छेती तेरे घर तक तेरे महलों में तेरे महलों के कोल पहुंच जावा, पर उतों तक जान तक मेरे घर तो तेरे घर का रस्ता सुनिया बड़ा ही बिखड़ा। ते मार्ग पंथ न जानो बिखड़ा क्यों कर मिला, मार्ग पंथ न जानो बिखड़ा क्यों पाए फिर पारे। मेरे प्यारे तेरे तक पहुंचने लई रस्ता बड़ा उबड़खा बड़े, मैं फिर अपने प्यारे नूं किवें मिला। ते अगली चुका विच साफ आंदे ने इहदी आत्मा विच होके कि सतगुर सब दी मिले विछुनी, तन मन तन मन आगे रखे। मैनू जे मिल जाए ना मेरा प्यारा प्रीत मैं तन मन सब कुछ अगे रख देवा, और मेरे को है भी की है उन्हों देन लई। फिर होवे की मेरे सुके हुए ब्रिक्ष दे विच जड़ा कुछ भी नहीं रहा उठे उन्होंने अमृत मुहब्बत का जल सिंचया जाए, और मेरे दरख्त मेरे इस सुके हुए रुख विच ओ बहार आवे ओ फल लगन जेड़े फल आने वाले इस मार्ग से लगियां आत्मा भी छक के नानक नजरी नजर निहाल हो जाए। सुसा बंदे ने के नानक अमृत बिरख महारस फलिया, नानक अमृत बिरख महारस फलिया, बिरख महारस फलिया। पर कल्या नहीं फिर पीना, पीना भी प्रीतम नाल मिलके ही है। मिल प्रीतम रस चाख कल्या कोई रस पीना रस नहीं रहिंदा, रस को रस बन जांदा है। पर जदों प्रीतम दे पाटे दा बजिया होया रस या प्रीतम दे परे होए कुट्टां दा रस वाला बाटा अपने लबा नाल ला के कोई आत्मा पींदी है ना, फिर सच जानिया जे मैं कहा जी फिर वो रस महा अमृत रस बन जांदा है, और उस अमृत रस नू पी के इस सदा लई अमर हो जांदा है। फिर ना विछड़दा है, ना अपनी जिंदगी तो दूर हुंदा है, ना टुटदा है, ना थकदा है, ना अकदा है, क्योंकि अमृत महारस जो पी लिया। और इसलिए ऐसी सांझ ऐसी गलवकड़ी ऐसा मेल उस देश तो प्रदेश गए प्रीतम नाल हुंदा है जी, कि फिर ये मेल ये सांझ कदी नहीं टुटदी, कदी नहीं टुटदी। सो ये ना टुटन वाली सांझ तो पहला शायद ये मन नहीं करता आपदा, अते ये आत्मा कह नहीं रही कि साजन देश विदेशियड़े सुनहड़े दिन दी जा। सो आओ इस शब्द नूं अज आप भी पढ़ो ताकि तुहाडा भी देश तो प्रदेश गया होया प्रीतम तुहाडे देश विच खिजा आ गई है, तुहाडा देश दा हर बाग दा पत्ता पत्ता सड़न ही वाला है या सुक गया है। इस विच गुले गुलजार बहार आवे, पर कदों आवे जदों प्रीतम प्रदेश तो देश आ जावे। सो अज आओ अपने प्रीतम नूं बुलाउण लई अज जोजड़ी बेनती अरदास पुकार कि अज कहो कि साज देश बदेश।
ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਣੇ ਸਾਜਨ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸੀ ਅੜੇ ਸੁਨੇਹੜੇ ਦਿੰਦੀ ਸੁਨੇਹੜੇ ਦਿੰਦੀ ਮੁੰਡ ਨੈਣ ਭਰਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰੇ
मार्ग पंथ न जाना बिखड़ा, क्यों कर मिला प्यारे। किस देश तो प्रदेश का जिक्र, किस साजन की अच बात, उस अर्शी चात विच्चों अर्शी प्रीतम। पिता गुरु अर्जन साहब अपने अर्शी कैमरे नाल उस पाक पवित्र इलाही नूरानी मिली हुई ते विछड़ी हुई रूह दी आज तस्वीर किस तरह लिखते पे ने। मैं क्या जी वो केड़ा साजन है, वो कौन सज्जन है, वो केड़ा प्रीतम है जेड़ा किसी सुहागण दे देश तो प्रदेश चला गया। किस प्रदेश, जिस प्रदेश का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच पिता गुरु अर्जन साहिब अंकित कर रहे हैं। परवाह ओ प्रदेश जिथे साजन जा वसिया, शायद उस प्रदेश नु देश जान के ही पिता जी ने खबरें जी फरमाया है कि तन सो देश, वो देश तन है, वो तनता योग है देश। किड़ा देश, तन सो देश साजन, तन सो देश जहां तू वसिया। ओ मेरे सज्जन, ओ मेरे प्यारे, जिथे तू वसिया ना वो देश प्रदेश नहीं रहा। ओ मेरे प्यारे आ, ओ मेरे यार, ओ मेरे लाल, ओ मेरे आकार, ओ मेरे निरंकार, ओ देश प्रदेश नहीं प्रदेश सच्ची सच्चा देश हो गया। ओ बेगमपुर शहर को ना दुख अंदोह नहीं ते ठाहो, जिथे गम दी गमता नहीं, जिथे चिंतावां नू कोई जगह नहीं मिलती, जिस देश विच तू वसिया उत्थे सारियां चिंतावां दूर हो गईयां। पर प्रीतम जी मैं देश इस देश विच रहन वाली एक ही होया, प्रदेशां विच वसण वाला सज्जन प्रदेश नू ते देश प्या करदा है, ते मैं देश विच रहिंदी होई आत्मा सुहागण अज देश तो प्रदेश हो गई है। क्यों कि मेरे सज्जन मीत मुरारे जी मेरे कोल नहीं आके वसिया, ते ना ही मेरे नेड़े खिड़ खिड़ हसिया। दसो नहीं सखियो, दसो नहीं उस पवित्र पाक मेरे प्यारे नूं मिलन वाली ओ आत्माओं क्यों चले गए ने, किधर चले गए ने। बोले पिता गुरु अर्जन जी किधरे नहीं गए, किधरे नहीं गए, तेरे कोल ही रहिंदे ने, अते तेरे कोल ही रहिंदे सन। होया ए इको सेजा ते आप दोवें सौ, पर सेज एक एको ही प्रभु ठाकुर। गुरमुखार पावे सुख सागर मैं प्रभु मिलन, मेरे मन आसा हुण तां नी सुहागणे गुर पूरा मिलावे मेरा प्रीतम। हुण तू अगों कही मैं वार वार अपने गुरु को जस, तो क्यों चिंता कर देंगे, कोई नहीं साजन तेरे ही ने तेनू मिलनगे, प्रदेश विच ते किसे नू तार नहीं गए ने, ना तेरे वर्गी कोई ब्रह्म कुठी आत्मा कदों दी विछड़ी कदों दी पटकदी, खबरे तेरे नालों ज्यादा खिच पै गई होवे ने, ज्यादा ओहदे सोहणे सिंगार वेखे होण जिहड़े सिंगार शायद तू अगे कर दी हुंदी से शायद हुण नहीं कीते। पर नहीं नहीं तू याद कर उस तन सो देश जिथे तेरा सज्जन वसिया, ते उथों जल्दी आ जाणगे, छेती आ जाणगे, और छेती आण वाले ने तेरे कोल ही तेरा प्रीतम आके जरूर वसेगा, ते वसण वाले ने जो अज संसार ते तेरी दुनिया विच तेरे संसार विच तेरे बाग विच खिजा आ गई ना, उस बाग खिजा वाले बाग विच एक ऐसी बहार आएगी, एक ऐसी बहार आएगी जो बहार
तेरे बाग विच ते होवेगी पर सारे संसार नु गुले गुलजार कर दे। सचिंता छड़ अपने साजन नु याद कर और बार बार साड़ी राय ते यही है नी सागने तू होर कुछ ना आख बस आही आख्या कर। साजन दे से
सुने उड़े दे दीजा, सुने उड़े दे दी, सुने उड़े दे दीजा। साजन देश देश प्रदेश सा बरसदिया ने, कितनिया बरसदिया ने कोई गिनती नहीं, कितनिया बरस जांदिया ने कोई मिनती नहीं, पर इन्हां बूंदां दा एक ओस आत्मा नूं जरा जिन्ना भी लाभ नहीं, हजारां लखां करोड़ां बूंदां विच भी लाभ नहीं। क्यों क्यों जी, क्यों लाभ नहीं दसने हैं? इस करके लाभ नहीं कि उन्हां हजारां लखां बूंदां विच एक ऐसी बूंद नहीं मिली इस आत्मा नूं, जिस आत्मा ने एक शरीर धारण किया है, उस देह दा नाम है बाबी। हाँ, वो बबीहे वाली देह विच बैठी हुई आत्मा दा जिक्र ते साहिब भी कई जगह करदे ने कि बाबीहा बेनती करे, हर जियो कर कृपा देहो जल दान, अते जल वे प्यास ना उतरे, निकस जाए मेरे प्राण। हाँ, तो कह रहे सां जी असी अनेक बूंदा दा जल बरस रहा है, पर ओ प्यासी हुई आत्मा नूं उस जल दी इक भी ना बूंद मिली जिहड़ी बूंद बाबीहे नूं चाहीदी है। अते जिस बूंद का नाम है जी स्वांत बूंद,
श्वांत भू, सो शायद उस आत्मा दियो प्यास ताई उस जल नल बुझे जिस जल विच श्वांत बूंद होवे, मतलब प्यारे दे प्यार दे सागर दा कोई कचरा हो, जिसनों कहती है ना तू प्यार का सागर है, हम तेरी एक बूंद की प्यासे हैं। सो एक बूंद मंगण वास्ते पता नहीं अपनी अखां विच किन्नियां बूंदा बरसा रही है, अते कह रही है साजन देश विदेशी अड़े सनेड़े दें दी मैं इन्ने जलां विच बरसदी हुई बूंदा विच अपने अखां विचों बरसा रही हैं वो बूंद, कि शायद वो बूंद नीचे गिरे अते उस बूंद गिरन तो बाद प्रीतम दे अंदरों भी मेरे वास्ते एक तड़प आवे, मेरे वास्ते भी एक प्यार जागे, अते उन्हां दे नेत्रां विचों भी एक बूंद बरसे जो मेरे मुख विच पै जाए, अथवा मेरे नेत्रां विच उन्हां दा नेत्रां दी बूंद डिगे और सिद्धि मेरे कट तक उतर जाए, और शायद मेरे जन्म जन्म दी इस तरह प्यास बुझ जाए। सो अज ब्रिहागण ब्रिहा विच बेबल होई होई आंदी है कि मुंद नैन परेंदी हजारां बूंदां विच अपने नेत्रां विचों भी बूंदां बरसांदी आंदी है, साहब आंदे ने इहदियां अखां विच मैं चंगी तरह वेखी है, बाहर ते सावन बरस रहा है पर इहदियां अखां विच भी सावन बरस रहा है। आओ जी इन्हां दोवां बरसना विचों अज तीजी जगह आप भी बरसनगे और ऐसा बरसनगे सदा लई परदेश तो देश ऐसे कुल आके बरसनगे कि इहदी जन्म जन्म दी प्यास बुझ जाएगी, अते इसनूं कदी भी किसे जन्म विच नहीं कहना पवेगा कि साजन देश विदेशी अड़े सुनेहड़े दिन दी जा, पर अज तो इहनूं कहना ही पवेगा ना, क्योंकि वो तो देश तो प्रदेश गए हुए ने, हुण ते तू कह लै साजन देश देश प्रदेश साजन देश विदेशियाणे साजन देश देश प्रदेश साजन देश विदेशियाणे साजन देश Yeah.